हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने दोबारा से सोचा है कि मैं दोबारा से व्लॉगिंग शुरू करूं, तो बस उसी व्लॉगिंग का आज पहला दिन है। सुबह सुबह उठी हूं और आज मौसम बहुत ज्यादा गर्म है। और ये राजी हमारे बाहर का मंजर। नाश्ता मंगवाया था हमने, नाश्ता आ गया। आज सुबह उठ के ना भूख ऐसे लग रही है जैसे रोजा रखा हुआ और रोजा लग रहा। नीचे मेरी हेल्पर आ गई है, आयरा भी नीचे, तो अब मैं नीचे जाके थोड़े से काम करवाती हूँ। गर्मी है लेकिन हवा चल रही है, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। तो मैंने सोचा कि आज आयरा को मैं पैकेजेस लेके जाऊँ ताकि उसका मूड थोड़ा सा चेंज हो। मैं हूँ सुबह सुबह माइलो, सुबह सुबह माइलो। नाश्ता ऐसे पहले अंदर रख के आते हैं। अभी हो रही है घर की सफाई, थोड़े से बर्तन शर्तन है वो धुल रहे हैं और घर साफ हो रहा है। और यहाँ पे बिल्ली है जो कि चिकन खा रही है। कैटो को पता है कि रोज मुझे यहाँ से चिकन मिलेगा, तो बिल्ली रोज आती है खाना खा के, फिर ऐसी गायब होती है कि सारा दिन नजर नहीं आती। पूल में पानी डाल के अभी देती हूँ, पूल में अभी देती हूँ पानी डाल के कि जरा सफाइयाँ शफाइयाँ हो जाए, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। आयरा को टेंशन पड़ गई है कि पापा खेले। आयरा पापा खेले, कहाँ है पापा? इधर। चलो मैं ऊपर से आ रही हूँ, आप सीढ़ियों पे ना चढ़ना। मैंने कहा पहले अपने बाल शाल बांधने, गर्मी है, खुले हुए बालों से ना हर्षर हो जाएगा। और मैंने इस तरह से मेकअप फैलाया है क्योंकि रोज रोज मेकअप करना होता है। फिर जब मेकअप कर रही होती हूँ ना, तब मैं ख्याल नहीं करती कि मेकअप को कहाँ पे रखना है। पहले मुझे होता है कि मैं मेकअप कर रही हूँ क्योंकि शूट्स करने होते हैं, रोज रोज पीआर वीडियोस करनी होती हैं, तो रोज रोज जो है ना मेकअप को सेट करके भी रखना होता है, रोज रोज मेकअप ऐसे बिखर भी जाता है। तो अभी मेकअप को समेटती हूँ जल्दी से, घर की सारी सफाई करवाती हूँ, उसके बाद हम तैयारी करेंगे पैकेजेस जाने की। कपड़े शपड़े मैंने रात को प्रेस करके रख दिए थे, जूता शूता भी निकाल के रख लिया था, सर सब भी धो लिया था। बाल स्ट्रेट करेंगे थोड़े से क्योंकि बाल थोड़े से रफ हुए हैं, हल्के हल्के से स्ट्रेट करेंगे क्योंकि बाहर जाना है। और मैं स्ट्रेटनर यूज नहीं करती डेली रूटीन में, मतलब घर में ऐसे नहीं होता कि मैं रोज रोज स्ट्रेटनर यूज करूँ, लेकिन जब कभी मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो फिर मैं थोड़ा सा जो है ना हुलिया ठीक कर लेती हूँ। ओए होए होए, इतना प्यारा मौसम, मैं भी देखूंगी। धूप भी निकली हुई है और बारिश भी हो रही है। कहाँ छुपे हुए दोनों? ये क्या किया? इसीलिए कह रही थी बाहर नहीं जाओ। हम पूछते हैं ना कि बारिश तेज हो रही है हल्की हो रही है, कह रही बारिश पतली हो रही है मोटी हो रही है, फिर भी बारिश मोटी मोटी हो रही है। कपड़े प्रेस करके रखे थे अपने और आयरा के और आयरा की खाला के, तो फिर मौज बढ़े या आंधी आए हमने तो जाना है। क्योंकि जब मैं कोई प्लान कर लूँ ना कहीं जाने का, तो फिर अगर मैं ना जाऊँ तो मेरा सारा दिन मूड ऑफ हो जाता है। और ये लोग फिर भी बाज नहीं आए, फिर चले गए गली में। पहले मुझे शौक था जैसे ही बारिश होती थी मैं गली में चली जाती थी या छत पे चली जाती थी, अब अरमान साहब को चढ़ा हुआ कि जैसे ही बारिश होती है वो फौरन से आयरा को लेकर बाहर निकल जाते हैं, और जब वापस घर में आते हैं तो घर चिकड़ो चिकड़ी हो जाती है। अभी अरमान आयरा को ड्रावा दे रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ ताकि वो वापस आ जाए, लेकिन वो भी वापस नहीं आने वाली। यहाँ पर जी मैं तैयार हो गई हूँ। ये है जी मेरा छोटा सा ऑफिस, पॉडकास्ट स्टूडियो। यहाँ पे जी मैं जो मेरा दिल चाहता है ना यहाँ पे मैं वो करती हूँ। यहाँ पे हर तरह का कंटेंट शूट करती हूँ। ये इस तरह से इसका सीन है। ये मेरा शौहर है, ये मेरे लिए कैमरा सेट कर रहे हैं क्योंकि कैमरा सेटिंग का जो सारा सीन है वो अरमानी करके देते हैं मुझे। ये लाइट्स हैं, ये दूसरी लाइट है, ये लैंप है, ये गिटार है जो आज तक मुझे बजाना नहीं आया। बहुत शौक था गिटार सीखने का लेकिन अभी तक नहीं आया मुझे बजाना। सीखेंगे कभी फुर्सत में, जिंदगी में कभी फारिक टाइम मिला तो ये भी सीखेंगे। ये वाला एक माइक लगा हुआ है, हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं ना आती, हम दोनों ऊंचा सुनते हैं, तो इसलिए हमने माइक लगाए हुए ताकि हम माइक में बैठ के बात करें आपस में। ये कुछ कपड़े आए हुए थे मुझे बिन नूर फैब की तरफ से, ये और ये जो मैंने पहना हुआ है ये, बस ये कुछ वीडियोस करनी है और उसके बाद फिर मैं कपड़े दोबारा से चेंज करूंगी। मुझे ना रेशमी स्टफ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, गर्मियों और सर्दियों मुझे हल्के से शिफोन टाइप स्टफ होते हैं ना, वो सूट पहनूंगी। आपसे तैयार होके दोबारा मिलती हूँ। क्या ही बात है अपने ऑफिस की, क्या ही मजा है। जब दिल किया तैयार होके आगे काम करने के लिए, जब नहीं दिल किया तो नहीं काम किया, जब दिल किया तो सारी सारी रात काम किया, सुबह के 6-6, 7-7 बजे तक काम किया। जब कहीं पे जाना हो तो मुझे ये होता है कि मैं सारे काम जल्दी 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 से खत्म कर लूँ। खाना पकाने का सीन आज मैं नहीं करूंगी क्योंकि अगर मैं बाहर भी जाऊंगी फिर आके खाना भी पकाऊंगी तो फिर खिचमिच खिचड़ी पक जाएगी और मेरा मूड भी खराब हो जाएगा। तो खाना अरमान भी बाहर से खाएंगे आज। अरमान को आज मैं अकेला घर छोड़ के जा रही हूँ सजा के तौर पर। अरमान आज अकेले घर रहेंगे क्योंकि आए दिन ये अपने दोस्तों के साथ बाहर निकले होते हैं, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं बाहर निकलूंगी। वीडियो सीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, अब मैं जा रही हूँ ऊपर जल्दी से, मुझे आयरा को तैयार करना है। मेरा ख्याल है आयरा तैयार है। तो मैं काम कर रही होती हूँ ना, आयरा बेचारी मेरा वेट कर रही होती है, मेरी मासूम सी बच्ची। आप तैयार नहीं हुई? हमने जाना था बाहर घूमने फिरने। नहीं, नहीं जाना। ओके बाय बाय बेचारी। नहीं, 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 मामा। मैं नहीं गिरूंगी। हमारी गाड़ी आ गई है, साइकिल नहीं लेके जानी, छोड़ साइकिल को। जंपिंग वाला आते अच्छे अच्छे
से जंपिंग करनी है आपने? मैं आपको अम्मी के घर छोड़ने जा रही हूँ। क्यों? पहले तो आप बहुत शौक से जाती थी। फैन निकले हैं और इन्होंने पहचान लिया कि आपकी वो 10 मिलियन वाली जो 11 मिलियन वाली जो वीडियो है वो मैंने देखी हुई और उसी से मैंने आपको पहचाना है। हम जी पहुंच गए हैं आयरा को घुमाने फिराने के लिए। आगे से कहती अच्छा कौन से वाले सेक्शन में जाना है, कौन से वाले झूले लेने? ब्लैक। काफी सारे प्ले एरियाज हैं लेकिन आयरा का जो फेवरेट है ना वो ये है। जल्दी 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 अपने शूज उठाओ और रख के आओ कैबिनेट में, यहाँ पे रख दो। चलो आयरा को मैं बताऊंगी कि कैसे खेलना है। ये है छोटा सा माउस हाउस, छोटे से सोफे पड़े हुए हैं और ये छोटा सा किचन है। चलो आयरा अपने फ्रूट्स उठा के ऊपर रखो। आयरा को तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना मैं यहाँ पे लेके आई होती हूँ, मुझे भी जरा थोड़ा सा सुकून हो जाता है। यहाँ तो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, यहाँ तो यहाँ पे वेटिंग एरिया है, चेयर्स वगैरह पड़ी है, यहाँ पे मैं बैठ के ना थोड़ा सा सुकून कर लेती हूँ। आज फिलहाल मेरा इतना शॉपिंग का माइंड नहीं है, बस मैं आयरा के लिए आई हूँ कि आयरा जरा थोड़ा खुश हो जाए। आयरा जब तक अपने घर की सफाई कर रही है, सारे फ्रूट्स उठा के बास्केट में डाल रही है, तब तक जो है ना मैं थोड़े से पॉपकॉर्न आयरा के लिए ले आती हूँ। आयरा को पॉपकॉर्न बड़े पसंद है। आयरा मैं आ रही हूँ, जाना नहीं कहीं, ठीक है? वैसे भी ये सेफ एरिया, मतलब एंटर हो गए तो फिर बच्चा सेफ है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं मीठे की लेकिन हम लेंगे बस फिलहाल पॉपकॉर्न। आयरा ये देखो पॉपकॉर्न, यम्मी। मुझे सामने एक बेंच मिला है, मैं यहाँ जाके ना सुकून करूंगी, सुकून से बैठूंगी। नॉट इंटरेस्टेड। आयरा यहाँ पे अकेला फील ना करे इसलिए मैं आयरा के साथ खेल रही हूँ। आयरा ने मुझे फुल खपाया है। मैं सोच के आई थी कि मैं सुकून से बैठूंगी लेकिन आयरा को फुल टाइम देना पड़ा। इसको किक करें, किक करो इसको। बस हम फारिग हो गए थे, निकल आए, अब केयरफोर्ड में आए हैं। अरमान की कॉल आई थी कि आते हुए मेरे ना चेरीज ले आए, चेरी ढूंढ रहे हैं, चेरी मिलती है चेरी लेते हैं और चॉकलेट्स लेते हैं और फिर हम चलते हैं। स्ट्रॉबेरी भी नजर आ गई है। अरे चेरी नहीं मिली, ग्रेप्स ले लें। गलत बात है, चेरी लेने आए थे, एक ही चीज चाहिए थी वो भी नहीं मिली। मुझे नहीं पता मेरा व्लॉग कैसा था लेकिन फिर भी आप लोगों ने पसंद करना है ताकि मैं जो है ना व्लॉग पे फिर रेगुलर हो जाऊं, क्योंकि मैं जब भी ये कहूँ ना कि अब मैं रेगुलर होने लगी हूँ यूट्यूब पे, अब रेगुलर होने लगी हूँ लेकिन मैं रेगुलर नहीं हो पाती क्योंकि मेरा ध्यान जरा प्रमोशनल वीडियोस की तरफ होता है, इंस्टा की तरफ होता है, टिकटॉक की तरफ होता है और बहुत सारे मामलात की तरफ होता है, घर के मामलात की तरफ, तो एक प्रॉपर टाइम नहीं मिलता क्योंकि व्लॉगिंग जो है ना वो बाकी कामों से ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसलिए मैं कर नहीं पा रही थी लेकिन अब मैंने स्टार्ट की है। तो आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग देखना है और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। बस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब मैं घर जाके आराम करूंगी। आज व्लॉग करने का पहला दिन था तो मेरा दिमाग भी थक गया और मेरा हाथ भी थक गया। तो आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।